हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑफलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में, और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। एक प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एरर्स में भी काफ़ी पूछा जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी पूछा जाता है प्रोनाउन। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि आप एसएससी की और बैंकिंग की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का आप ये कॉम्बो पैक यदि लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके थ्रू, तो इसको आप ले सकते हैं। और इसके लिए साइट पर आपको जाना पड़ेगा, test.englishadvantage.in, जो रेड कलर में लिखी है ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ से जाके आप ऑनलाइन इसको पेमेंट करके इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, और ये डेट ऑफ परचेज से 1 साल तक के लिए वैलिड है, और काफ़ी इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको आप यूज़ करते हैं, इसके थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसी का एक पार्ट है। नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, ताकि नाउन का रिपीटिशन ना हो। जैसे राम के स्थान पर मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, और सीता के स्थान पर मैं शी यूज़ कर सकता हूँ, और राम और सीता दोनों ही हैं तो उसके स्थान पर मैं दे यूज़ कर सकता हूँ। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दे। तो ये है प्रोनाउन, और इंग्लिश ग्रामर में ये 8 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ सारे मैंने लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो एक ही कैटेगरी के प्रोनाउंस हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं केवल पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करूंगा, बाकी ये जितनी भी कैटेगरी दी है इनके लिए मैं दूसरे वीडियोज़ बनाऊंगा। उन वीडियो को देख के आप इनको इनके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 8 तरीके के प्रोनाउन हैं, यहाँ मैंने इनके एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस में देखिए ये सारे वर्ड आएंगे, आई और वी, यू और ही, शी, दे और इट, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आई और वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मैं और हम। यू को हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और ही, शी, दे और इट ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसमें नाम भी सारे थर्ड पर्सन में ही आते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, और ये एक कैटेगरी है इनकी पर्सन के बेस पर, और एक दूसरी कैटेगरी है इनकी केस के बेस पर। केस का मतलब होता है पोजीशन। एक एक प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, यदि उसकी पोजीशन सब्जेक्ट की है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यदि उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। यदि हम प्रोनाउन को पजेशन यानी अधिकार दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे दिस इज़ माई पेन, तो माई इसमें पजेसिव केस है। ठीक है, और तो ये 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है, और एक है ये पजेसिव प्रोनाउन। तो ये लिस्ट जो मैंने यहाँ पर दी है इसको भी समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पजेसिव केस इसका हिज है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन जो है हिज है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? पजेसिव एडजेक्टिव एक्चुअली नाउन से पहले आता है, जैसे माई पेन, इट्स प्रॉब्लम्स, हर बुक। ठीक है, लेकिन ये नाउन के बाद में आता है, ये एंड में आता है, जैसे दिस बुक इज माइन, तो माइन एंड में आया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन, और इसको हम बोलेंगे ये जो कैटेगरी है पूरी, ये है सारी की सारी पजेसिव एडजेक्टिव, और ये कैटेगरी बिलोंग करती है पजेसिव प्रोनाउन को। तो इन दोनों के बेस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इनके सारे बेसिक्स को आपको समझना ज़रूरी है। ये जो है पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें एस लगा हुआ है, इसमें हम कभी भी अपोस्ट्रफी एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एक ये बेसिक आपको समझना ज़रूरी है, और ये हैं सारे आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स। चलिए आगे देखते हैं, और ये इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर। देखिए, इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि इट्स और इट्स के स्थान पर हम इट्स को रख देते हैं, और ये वाला जो इट्स है इसके स्थान पर ये वाले इट्स को रख देते हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है
कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इट्स जो है ये पजेसिव केस है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और ये वाला जो अपोस्ट्रफी एस है ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर करें। देखिए ये सेंटेंस दिया है मैंने यहाँ पर, तो इसकी मदद से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा। वी शुड बी कंसर्न अबाउट आर कंट्री एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा आएगा? इट्स जो होता है वो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, तो इट इज़ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इट्स प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंट्री की प्रॉब्लम की, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कंट्री की हैं। ठीक है, मतलब कंट्री को बिलोंग करती है, तो इसलिए बिलोंग के लिए हम ये वाला इट्स लगाते हैं, इट्स। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई हाउस। ठीक है, अब हाउस इसमें नाउन है, तो नाउन से पहले हम कौन सा लगाएंगे? ये वाला, दिस इज माई हाउस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। बट दैट हाउस इज देयर या देयर्स, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे ये वाला देयर्स, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आती है। ठीक है, आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, दिस ब्यूटिफुल हाउस इज, अब यहां पर क्या आएगा? दिस ब्यूटिफुल हाउस इज आर्स, बट दैट व्हाइट हाउस इज नॉट आर हाउस, तो यहां पर ये सही है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस मोबाइल इज हर्स, क्योंकि मोबाइल पहले आया है, जब पहले आएगा नाउन तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बट दैट इज, अब इसमें मोबाइल बाद में आ रहा है, नाउन बाद में आ रहा है, तो पहले हम इसका यूज करेंगे, बट दैट इज आर हाउस। दिस इज योर हाउस एंड दैट इज माई हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी द सेम नंबर जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड। देखिए इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको लग सकता है कि लिखा हुआ है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चूंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर आता है, इसलिए प्रोनाउन की फॉर्म भी वैसी ही होगी जैसी कि नाउन की है। सिंपल सा ये रूल है। देखिए, एवरी मैन मस्ट लव हिज हर इट्स देयर कंट्री। अब यहां पर एवरी आ रहा है, तो एवरी जो होता है उसका मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक होता है सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ना, यहां पर आप जो प्रोनाउन लेंगे वो सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे, और ऐसा प्रोनाउन लेंगे जो मैन के साथ जस्टिफाई करे। ठीक है, सिंगुलर और मैन के साथ जस्टिफाई करे। तो एवरी मैन मस्ट लव, तो यहां पर क्या आएगा? हिज, क्योंकि हर तो आता है आपका गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, लेडीज के लिए। इट्स आएगा नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए आता है, और देयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एवरी जो होता है वो होता है सिंगुलर, और देयर आएगा प्लूरल के लिए। तो इसलिए यहां पर आपका ये वाला आंसर इसमें सही होगा इन तीनों ऑप्शंस में से। अब यहां पर गर्ल दिया है, तो यहां पर हम लेंगे हर को। यहां पर ऑल स्टूडेंट्स लिया है, तो ऑल स्टूडेंट में गर्ल और बॉय दोनों आ जाएंगे, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो यहां पर हम लेंगे देयर को। अब यहां पर ईच स्टूडेंट है, और ईच जो होता है वो होता है सिंगुलर, तो यहां पर हम क्या लेंगे? यहां पर देखिए स्टूडेंट जो है वो एक कॉमन जेंडर है, वो हर भी हो सकता है और हिज भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है, वो बॉय भी हो सकता है, तो इसलिए हम इस तरह के केसेस में हम मैस्कुलाइन जो जेंडर है उसको हम प्रेफर करते हैं, उसको हम करेक्ट मानते हैं। तो यहां पर हम, हमारा जो आंसर होगा वो होगा हिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एंटीसीडेंट जो होता है वो जो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दिया है, हु दिया है, तो इससे पहले का जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया है इसकी, इसके पहले जो नाउन होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो जो आपके आगे वाला जो प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग आई दे सी। तो यहाँ पर आई आएगा या दे आएगा, तो इसमें आप देखिए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा, ये जो प्रोनाउन है ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें देखिए हु के पहले क्या है, हु के पहले दोज है, और दोज कैसा होता है? प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे दे, यहाँ पर हम आई नहीं लगाएंगे। एंटीसीडेंट इसका दोज है ना कि वन, तो इसलिए यहां पर हम लगाएंगे इसमें दे। ठीक है, ही इज द स्टूडेंट हु इज क्वाइट इंटेलिजेंट, तो
हु से पहले जो स्टूडेंट यहां पर दिया है ये है इसका एंटीसीडेंट. दीज आर द थिंग्स विच आई नीड इमीडिएटली. तो इसमें थिंग्स जो है ये जो विच से पहले दिया है ये है इसका एंटीसीडेंट और ये है आपका करेक्ट सेंटेंस. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे सी. अब देखिए यहां पर यदि मैं बिलीव्स कर दूं तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि दोज जो है वो प्लूरल है, इसलिए ये बिलीव जो यहां पर लगा है ये इसमें सही है. आगे देखते हैं. व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्टिव नाउन, मतलब एक प्रोनाउन जब कलेक्टिव नाउन के स्थान पर आता है, कलेक्टिव नाउन को वो रिप्लेस करता है, तो उसमें हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें एक सिचुएशन है. यदि कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर बॉडी की तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं, एक होल बॉडी की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं. यदि उसके अलग अलग पर्संस को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर हम देयर का प्रयोग करते हैं. तो यहां पर ये दिया हुआ है. अब देखिए ये सेंटेंस है, द कमेटी हैज टेकन. अब यहां पर चार ऑप्शन है आपके पास, हिज हर इट्स और देयर. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर चूंकि पूरी कमेटी ने मिलके एक डिसीजन लिया है, सारे लोगों ने मिलके एक डिसीजन लिया है, इसलिए यहां पर जो सही वर्ड होगा वो होगा इट्स. अब यहां पर देखिए, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स. तो यहां पर हम इट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर सीट्स की बात हो रही है. कमेटी जो डिवाइड है वो सीट्स में डिवाइड है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सीट्स हैं, तो इसलिए यहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे. देयर यहां पर सही माना जाएगा. ये सेंटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक्स हैं ये सारे ग्रामर के. अब देखिए, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू सेपरेट पर्संस. इसको मैं सिंपल आपको डिटेल में बता देता हूं. यदि दो नाउन ठीक है एंड से जुड़े हैं और दो अलग अलग पर्सन हैं, तो डेफिनेटली जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा. जैसे यहाँ पर देखिए, बोथ दिनेश एंड महेश, दो अलग अलग लोग हैं ये, दिनेश और महेश, तो इसलिए यहाँ पर मैं हिज नहीं लगा सकता. यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा देयर. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. देखिए ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये एक ही व्यक्ति है. यदि ये दो व्यक्ति होते तो चेयरमैन से पहले भी इसमें द आता और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उससे भी पहले इसमें द आता, लेकिन एक ही बार इसमें द आया है, एक ही बार आर्टिकल आया है, तो हम इसको एक ही व्यक्ति मानेंगे, यानी एक ही व्यक्ति चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा हिज. हालांकि वो हर भी हो सकता है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हर भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हिज और हर में से हम मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसको हम प्रेफर करते हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा हिज. द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी. देखिए इसमें दो बार दिया है, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, तो इसलिए ये दो लोग हैं और दो लोग को दिखाने के लिए यहां पर मैं लगाऊंगा देयर. ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोनाउंस हैं. व्हेन टू सिंगुलर नाउंस जॉइंट बाय एंड प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी. ईच और एवरी जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर, भले ही वो एंड से जुड़े हों. जैसे एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गॉट. अब यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा हिज, क्योंकि एवरी और ईच सिंगुलर होते हैं. ठीक है, इसमें भी देखिए, नीदर राम और श्याम. ठीक है, इसमें भी हम हैज लगाएंगे. राम और श्याम दोनों एक ही जेंडर के हैं, तो इसलिए हम इसमें हिज लगाएंगे, आंसर इसमें हिज होगा. और इस तरह के प्रोनाउंस में जिसमें एक सिंगुलर है फादर और एक प्लूरल है, तो इस तरह की नाउंस में हम सिंगुलर को पहले रखते हैं और प्लूरल को बाद में रखते हैं, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को लेते हैं. तो यहां पर सन्स के अकॉर्डिंग आएगा यहां पर देयर. देयर यहां पर आपका सही आंसर होगा. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और यदि अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है, ही है यहां पर और आई है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है करेक्ट, ये सेंटेंस सही है. और यहाँ पर ये अलग अलग जेंडर के अगर प्रोनाउन हैं तो बाद वाला जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोनाउन लेंगे. यहाँ पर हर आपका सही होगा. यहाँ पर हम देयर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ईदर ईच और एवरी ये होते हैं सिंगुलर, और यदि हम देयर लेंगे तो उसका मतलब होगा कि हम प्लूरल नाउन ले रहे हैं, जबकि ये नाउन कैसी है, सिंगुलर है. ईदर ईच और एवरी ये होते हैं सिंगुलर, तो देयर यहां पर गलत होगा. यहां पर सही आंसर होगा हर.
अब देखिए ये 1 2 3 का रूल है और इसमें एक 2 3 1 का रूल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। व्हेन ए प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन, देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि ए दो या दो से ज़्यादा जब प्रोनाउन आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो पहले हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके बाद लगाएंगे सेकंड पर्सन प्लूरल, और उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड पर्सन प्लूरल। 1 2 1 2 3 के सीक्वेंस में आएगा, और ये जो रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे यू एंड आई हैव टू लुक आफ्टर, अब इसमें दो प्रोनाउन दिए हैं पजेसिव केस के, अब इसमें यू आप लगाएंगे या अवर लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो अब इसमें देखिए कैसे डिसाइड करेंगे आप, यू है सेकंड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड और फर्स्ट में से हम फर्स्ट को लेंगे, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में से हम फर्स्ट को लेंगे, सेकंड और थर्ड में से हम सेकंड को लेंगे, मतलब ऊपर वाला जो प्रोनाउन होगा वो इसमें आएगा, तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसमें से हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल लेंगे, तो फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है वो होता है आर, क्योंकि आर का मतलब होता है हमारा, ये प्लूरल है, ठीक है, आर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब यू एंड अजय, तो इसमें सेकंड पर्सन दिया है और थर्ड पर्सन दिया है, तो इसमें हम लेंगे सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी कि योर इसमें आपका सही आंसर होगा। अब देखिए थर्ड में देखिए यू ही एंड आई, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन दिए हैं, तो इसमें हम लेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसमें आर आएगा, देयर और योर इसमें नहीं आएगा, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए नॉर्मल सिचुएशंस में प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस होता है वो 2 3 1 होता है, सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है और ये करेक्ट सीक्वेंस है, लेकिन इसमें दो सीक्वेंस होते हैं, यदि कोई निगेटिव थॉट की बात हो रही है तो उसमें हम 1 2 3 का सीक्वेंस यूज़ करेंगे, और किसी पॉजिटिव थॉट की बात हो रही है तो उसमें हम 2 3 1 का सीक्वेंस यूज़ करेंगे। 1 2 1 2 3 का जो सीक्वेंस है वो होता है निगेटिव थॉट के लिए। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस, इसमें किसकी बात हो रही है, रॉन्ग की बात हो रही है और पनिशमेंट की बात हो रही है, मतलब किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ अपराध किया है, कुछ रॉन्ग किया है, तो इस सिचुएशन में हम 1 2 और 3, मतलब फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू और ही थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस इसमें सही माना जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यदि नॉर्मल सीक्वेंस है, पॉजिटिव थॉट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपका 2 3 1 का सीक्वेंस सही माना जाएगा, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, यदि सेकंड पर्सन नहीं है तो फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से ये सेंटेंस को हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं, यू ही एंड आई हैव डन ए गुड जॉब, तो यहां पर ये सारे एग्जाम्पल आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं। इसमें आगे वाला रूल पढ़ते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जैसे ये इसमें दिया है इज, तो इज ए मार्क के बाद जब प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब, ये किसी एक्शन को इंडिकेट नहीं करती, इसलिए इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे इट इज हिम बोलूंगा मैं या इट इज ही बोलूंगा, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा इट इज ही, ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि ये जो है ये रेगुलर वर्ब नहीं होती, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और इसके थ्रू हम किसी एक्शन को नहीं दिखाते, और चूंकि एक्शन को नहीं दिखाते इसलिए इसके बाद आने वाली नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो इसलिए उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखेंगे। अब इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें बट आता है, तो बट एक प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहां पर आपका आंसर होगा मी, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ही अर्न्स मोर देन शी, तो इस तरह के सेंटेंसेस में मोर देन के बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन जो होता है वो इक्वल क्वांटिटी या इक्वल मेजरमेंट में होता है या इक्वल कैटेगरी में होता है, तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी हम सब्जेक्टिव केस ही रखेंगे। ही अर्न्स मोर देन शी, ही अर्न्स मोर देन हर इसमें
गलत होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब देखिए, यदि प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहा है, किसी भी वर्ब के बाद या किसी भी प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, यानी उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे लेट एक वर्ब होती है, ठीक है, और बिटवीन, बट और एक्सेप्ट, ये तीनों हैं आपके प्रपोजिशन। तो इनके बाद हम वर्ब को लिखेंगे, प्रोनाउन को लिखेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे लेट यू एंड आई, तो यहां पर आई नहीं होगा, लेट यू एंड मी होगा। यहां पर देखिए लेट यू एंड हर होगा, ये शी नहीं होगा यहां पर। बिटवीन यू एंड मी होगा यहां पर। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी न्यूज, द हिंदू न्यूज इज एड गोज एज। अब देखिए एज गुड एज जो है, ये है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका, वो होता है सब्जेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शी इज़ यंगर देन आई एम और शी इज़ यंगर देन मी, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। हालांकि इसमें देखिए, इसमें ये सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि कंपैरिजन जो होता है वो सब्जेक्टिव केस, मतलब दोनों एक ही तरह के केसेस में होता है, और इसमें सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम करेंट इंग्लिश ग्रामर में सही मानते हैं। ये तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं। हालांकि कुछ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इसको गलत मान सकते हैं, नीचे वाले सेंटेंस को, लेकिन आजकल करेक्ट इंग्लिश में ये सेंटेंस भी सही है, ये गलत नहीं है। और ये वाला जो सेंटेंस है शी लव्स मी, इसमें दोनों ही सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम तुलना कर रहे हैं इसमें, तो ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जामिनर इस तरह के सेंटेंस को गलत मान सकते हैं, जिसमें एक सब्जेक्टिव केस में है और एक ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जामिनर किस सेंटेंस को सही मानता है, लेकिन करेंट इंग्लिश में ये जो सेंटेंस है ये सही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेनेवर एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और ए प्रपोजिशन, इट इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई प्रोनाउन एज ए फंक्शन करता है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। जैसे ये है, इट इज़ फॉर ही टू कंसीडर। ठीक है, फॉर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इट इज़ फॉर हिम टू कंसीडर, ये करेक्ट सेंटेंस। आस्क ही टू गो, आस्क हिम टू गो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए, ये एज वाले जितने भी होते हैं इसके बाद हम कंपेयर करते हैं, शी इज एज इंटेलिजेंट एज ही, तो ये सेंटेंस सही है। ये एज वाले जो होते हैं, एज के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि एज यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ही के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। आगे देखते हैं, ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हाईली प्रोबेबल सेंटेंस है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जैसे पहले वाला सेंटेंस देखें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेज फॉर इट्सेल्फ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए फैसिलिटीज़ और अलाउंसेज की ज़रूरत किसको होती है, बोर्ड को या बोर्ड मेंबर्स को? बोर्ड मेंबर्स को फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, अलाउंसेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम द बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इटसेल्फ ना आते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे देमसेल्फ्स, और सी इसमें आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, यू एंड आई, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे आर, ये माय गलत है इसमें। इस सेंटेंस को देखें, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, इसका मतलब क्या है कि उसके एफर्ट उसको ज़्यादा सक्सेस दिलाएंगे बनस्पत उसके, बनस्पत आपके। तो यहाँ पर एक तरफ हम बोल रहे हैं हिज एफर्ट्स, और यहाँ पर हमको बोलना चाहिए योर एफर्ट्स, आपके प्रयास और उसके प्रयास। तो इसलिए यहाँ पर या तो आप बोलिए योर एफर्ट्स या आप बोलिए योर्स, तो उस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी।
आगे देखते हैं, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ मिस्टेक्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ये जो हु है इसका जो एंटीसीडेंट है वो एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, ये है लिविंग और ये है नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को हु जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हु आता है केवल लिविंग बींग्स के लिए। तो इसलिए इसका इसका हाँ हु के स्थान पर यहाँ पर हम लेंगे दैट, ये हु गलत है इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। तो इसमें हम तुलना किसकी कर रहे हैं, आपने जो डॉग खरीदा है वो मेरे डॉग से ज़्यादा फेरोसियस है। द डॉग आई हैव बॉट मतलब मैंने जो डॉग खरीदा है वो ज़्यादा खतरनाक लगता है किस डॉग से जो आपने खरीदा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देन यू है, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा देन दैट ऑफ, या तो आप बोल सकते हैं देन दैट ऑफ या देन द वन यू है, इस तरह से भी बोल सकते हैं देन द वन यू है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। देयर वर 8 इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड 5 लेजी वन इन दिस फैक्ट्री, मतलब 8 जो हैं इसमें मेहनती हैं और 5 जो हैं वो लेजी हैं। तो यहां पर आपका लेजी, चूंकि 5 दिया है इसलिए यहां पर हम 1 ना लगाते हुए यहां पर हम लगाएंगे वंस। ये इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, माइन, तो यहां पर हम लिखेंगे योर्स, या तो हम लिख सकते हैं योर प्रॉब्लम या हम लिख सकते हैं योर्स। तो ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझिए। ये वाला सेंटेंस देखते हैं, यू आर मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल्स कमिंग टुवर्ड मी। SSC का क्वेश्चन है ये और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देन के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें आई, करेंट इंग्लिश के हिसाब से ये सही है इसमें। और 9 देखते हैं, दिस इज द सेम डॉग विच बार्कड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट। विच आई इसमें नहीं होगा एक्चुअली, ये गलती से प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर द सेम डॉग हम बोल रहे हैं, तो द सेम के बाद हम विच नहीं लगाते, हम लगाते हैं दैट। ठीक है, तो इस तरह से कैसे ये गलती है इसमें। और ये वाला देखें, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन, यहाँ पर हिज नहीं आएगा क्योंकि ये दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर अलग है और वाइस प्रेसिडेंट अलग है, दो व्यक्ति अलग हैं। तो इसलिए इसमें हम हिज की जगह हम लगाएंगे देयर कंसेंट। तो इस तरीके से मैंने ये 10 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं और पूरा पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपका फिनिश किया है इसमें, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरा जो ऑनलाइन चैनल है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी सारे फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। और मुझे कमेंट करके या मेल के थ्रू बताएं आपको ये कैसा लगा, और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज फेसबुक पर है ये, इसको भी आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले टाइम पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।